नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद व आसपास के क्षेत्र में लगातार कोहरे का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिससे वाहन चालकों को भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्कूली बच्चों की छुट्टियां खत्म होने के बाद भी बच्चों को भी धुंध में ही अपने स्कूलों में जाना पड़ रहा है। हालांकि बच्चों की छुट्टियाँ जब तक रही तब तक धूप निकलती रही, लेकिन छुट्टियाँ खत्म होने के साथ साथ ही धुंध का असर देखने को दोबारा मिल रहा है। हालांकि कई किसानों का मानना है कि गेहूं की फसल के लिए ये धुंध काफ़ी फायदेमंद है। जिन किसानों ने गेहूं की बिजाई की है उनके लिए धुंध फायदेमंद है। सरसों की फसल को धुंध के कारण कुछ नुकसान हो सकता है। घने कोहरे के कारण रात के समय में दृष्टि मात्र 10 मीटर तक ही रह गई। हालांकि दिन में भी अब यही हाल है। कोहरे के कारण सड़कों पर 100 की गति से दौड़ने वाले वाहनों पर अब ब्रेक लग चुका है। वही वाहन अब रेंग रेंग कर चलते हैं, लाइटें जलाकर गुजरते नजर आएंगे। वाहन चालकों को ही नहीं बल्कि आम आदमी को भी कोहरे के कारण काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके कारण यातायात व्यवस्था चरमराई गई है। लोगों का कहना है कि कोहरे के कारण दिनचर्या भी काफ़ी प्रभावित हुई है। पलपल फतेहाबाद से राजेश मामू की विशेष रिपोर्ट। आज क्या करना चाहते? ठंड बहुत है जी, आज धुंध आ रही है पूरी, रोड सब जाम है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आने जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और बच्चों के लिए वेने लेट हो रही है, पिछले दिन धूप निकल गई थी तो अभी मुश्किल से बच्चों का स्कूल लगा था और धुंध फिर से चालू हो गई है, तो बच्चों के लिए बहुत परेशानी हो रही है। ठीक है, फसलों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बट आने जाने वाले लोगों के लिए और स्कूल वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, और इससे बचने के लिए लोग अग्नि का सहारा ले रहे हैं, तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान रखें। और इस धुंध के कारण एक्सीडेंट का भी थोड़ा चांस है, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अंधेरा अंधेरा दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है रोड पे। धन्यवाद जी। आज बहुत कोहरा जमा हुआ है और सड़कों पर बहुत बिजली वो है, धुंध है, नज़र नहीं आ रहा कुछ भी। बाइक चलाते हैं तो या गाड़ी पे आते हैं तो, अब बच्चों के स्कूल खुल गए, बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है, स्कूल आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। जब बच्चों की छुट्टियाँ थी धूप निकलती थी, अब स्कूल खुल गए तो बहुत कोहरा जमा हुआ है, बर्फ़ जमी हुई है। इसमें कणकों को तो फायदा है लेकिन सरसों को काफ़ी नुकसान है किसानों के लिए। परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, काफ़ी परेशानी बच्चों को हो रही है ज़्यादातर इस ठंड की वजह से, कोहरे की वजह से।